और जब हम प्राइवेट जॉब करते हैं ना, उसमें हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो दब के रहती है। अपना काम अगर हम 10 रुपये का, 100 रुपये का, जितने का भी खोलेंगे ना, उसमें वो हमारे अंडर रहता है। हमें ये होता है कि ये मेरा काम है, अगर मैं कस्टमर को डील कर सकती हूँ तब भी कोई बात नहीं, नहीं कर सकती तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें किसी की नहीं सुननी पड़ती अपने काम का। ये वुमेन एम्पावरमेंट की मिसाल अगर आप देखना चाहते हैं तो आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलाऊंगी कि जिन्होंने अपने बलबूते पर जम्मू में काम खोला है। क्योंकि कई सारी लड़कियां घबराती हैं कि हम ऐसा काम कैसे करें, कोई जॉब कैसे करें, लेकिन उन्होंने कई सारी लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, आप अपने बलबूते पर अपना काम शुरू कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ शहनाज दी की, जिन्होंने अपने बलबूते पे यहाँ पर ये काम खोला है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट जो है फैमिली की तरफ से नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी ये काम खोला है। इनसे बात करेंगे क्या कुछ इनकी जर्नी रही है आज तक की, कैसा इनका काम चल रहा है। तो दीदी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया बात करने का। आप अपने बारे में कुछ बताएं, और सबसे बड़ी बात, आप एक मिसाल हैं इस वक्त सभी लड़कियों के लिए, क्योंकि बहुत सी लड़कियां हैं जो दबी सहमी रहती हैं, फैसले नहीं ले पाते। आपने किस तरीके से ये काम शुरू किया और क्या ऐसी बात थी कि जिसकी वजह से आपको ये काम शुरू करना पड़ा? मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे मेरे पास आई हैं, काफ़ी दूर से आई हैं आप, तो थैंक यू सो मच। देखिए, काम करने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए होती, काम करना चाहिए, इंसान को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। बाकी तो मेरी ये था कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बाकी काफ़ी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स वगैरह रह रही हैं, प्रॉब्लम चल रही हैं, उसके कारण से मुझे ये अपना काम यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ा। ये है कि लोग कहेंगे कि आपने जॉब्स वगैरह क्यों नहीं की, प्राइवेट जॉब बहुत सारी हैं। मैंने प्राइवेट जॉब भी करके देखी, मैंने काफ़ी कुछ किया, लेकिन मुझे बेनिफिट किसी में नहीं मिला। और जब हम प्राइवेट जॉब करते हैं ना, उसमें हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो दब के रहती है। अपना काम अगर हम 10 रुपये का, 100 रुपये का, जितने का भी खोलेंगे ना, उसमें वो हमारे अंडर रहता है। हमें ये होता है कि ये मेरा काम है, अगर मैं कस्टमर को डील कर सकती हूँ तब भी कोई बात नहीं, नहीं कर सकती तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें किसी की नहीं सुननी पड़ती अपने काम का। ये होता है, बाकी काफ़ी सारे स्ट्रगल वगैरह रहे लाइफ में, जिसकी वजह से ये करना पड़ रहा है। जी, जैसे कि आपने कहा स्ट्रगल बहुत रहा, क्या अगर आप कंफर्टेबल हैं आप बता सकते हैं क्या परेशानी आपको आई जिसकी वजह से आपको ये काम करना पड़ा? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। जैसे कि मैंने पहले वाले इंटरव्यू में बताया था कि जम्मू आने का कारण मेरा क्या था, क्योंकि मेरी शादी हुई थी, मैं जम्मू उन्हीं के साथ आई थी, और बाद में हमारा डाइवोर्स हो गया, बच्चा ना होने की वजह से जो डाइवोर्स हो गया, उसके कारण मैं यहाँ पे, फिर उसके बाद मैं जम्मू में ही रही, क्योंकि आपको पता है अगर हम गाँव वापस जाएँ, माँ बाप के घर में वापस जाएँ, बदकिस्मती से मेरी मम्मा तो नहीं है, मेरे डैडी हैं, तो मतलब नहीं घर में जा सकते, क्योंकि लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। आपको पता है हमारा समाज कैसा है, अगर ऐसी कोई तलाकशुदा लड़की हो या कोई दूसरी प्रॉब्लम हो तो लोग काफ़ी ताने मारते हैं, उसको जीने नहीं देते। तो मैं ये सुन नहीं सकती हूँ, एक तो अपना वो होता है ना कि बच्चे नहीं हो सकते, ये भी एक बड़ी बात होती है, फिर लोगों के ताने तो ये बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए फिर मैं जम्मू में ही हूँ, अपना यहीं पर काम कर रही हूँ। चलिए, ये तो बहुत बुरी बात है और बहुत ही दुख की बात है कि बच्चे ना हो पाने की वजह से इनके परिवार ने इनका साथ छोड़ दिया, लेकिन फिर भी इन्होंने ज़िंदगी से जो उम्मीद है, जो इनके अंदर जो कुछ कर जाने की उम्मीद थी या जो हिम्मत थी, वो इन्होंने आज तक नहीं छोड़ी और इन्होंने अपना काम शुरू किया। तो क्या आपको लोगों की तरफ से मदद मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है? जैसे कि रहता है कि कोई नया काम शुरू करता है, कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी भी आती है, तो आपको लोगों की तरफ से कोई मदद भी मिल रही है? नहीं मैम, परेशानी तो होती है, कोई भी आप सेटअप करेंगे, न्यू सेटअप करेंगे तो परेशानी जाहिर सी बात होती है। शुक्रगुजार हूँ मैं अश्वनी सर की, और दूसरे सर है, मुझे नाम भूल गया है, थापा सर हैं, उन्होंने मतलब छाता वगैरह ला के दिया, आइस बॉक्स दिया। थापा सर यहाँ पे होते हैं हर टाइम, मुझे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है मैं उनको एक कॉल करती हूँ, वो यहाँ पे तुरंत आ जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इन लोगों की। और जम्मू वाले लोग भी आते हैं बेचारे, जब भी मेरी वीडियो देखते हैं और यहाँ पे आते हैं, जूस पीते हैं, जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और जो प्यार देते हैं लोग, तो वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं करता, कोई नेगेटिव बात नहीं करता, सारे लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो ये मुझे कहीं ना कहीं काफ़ी हिम्मत देता है और काफ़ी अच्छा लगता है।
जी, तो अब आप जो है ना लोगों को बताइए, जम्मू, जैसा आपने कहा कि आप जम्मू आए थे, यानी कि आप जम्मू से नहीं हैं, आप कहाँ से हैं, अपनी जगह के बारे में बताएं, और उसके बाद जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं उन्हें आप लोकेशन के बारे में भी एक बार बता दें, कहाँ से कैसे आएँ, और जो हमारे दर्शक हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट के, किश्तवाड़ के, भद्रवाह के, जो लोकल लोग हैं उनसे भी मैं यही गुजारिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जब आप लोग जम्मू घूमने आ रहे हैं या जम्मू के दर्शक देख रहे हैं तो कोशिश करें कि यहाँ पर आए, क्योंकि वो जो है अपनी मेहनत से, पूरी इज्जत के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि अपनी कमाई भी वो यहाँ पर करें लेकिन इज्जत के साथ करें, किसी की मदद लें तो वो काम कर कर उसकी जो है वो मदद लेना चाहते हैं आपसे। तो बस एक बार पूछेंगे इनसे कि क्या लोकेशन है यहाँ की, और उसके बाद जो है आपसे यही गुजारिश जैसे कि हमने की कि जितना हो सके आप लोग भी इनकी मदद करिएगा ताकि इनका काम जो है अच्छे से चल सके। तो दीदी आप अपनी जगह का बता दें। मैम मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ और विलेज मेरा महाकुंड है, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ और मैं 10 साल से जम्मू में ही रह रही हूँ। जी, तो जो लोग यहाँ पर आपके पास आना चाहेंगे उनके लिए लोकेशन आप एक बार बता दें। मैम लोकेशन यही है, जब हम जीवल में डोगरा चौक के अंदर आते हैं अपना बिग बाज़ार की तरफ, वहाँ पर फॉर्चून होटल उसके बिल्कुल अपोजिट में है, JDU पार्क जिसको महाराजा हरि सिंह पार्क कहते हैं वहाँ पे हूँ मैं बिल्कुल सामने। और मतलब जिन लोगों को नहीं पता है वो यहाँ पे मतलब मेरा चैनल भी विज़िट कर सकते हैं, मेरा YouTube चैनल है उस पर डेली वीडियो यहाँ की मिलेंगी, और Instagram पे अगर पूछना चाहता है कोई के पता नहीं है कहाँ पे जाना है वो मुझे Instagram पे पूछ सकते हैं, उनको मैं लोकेशन बता दूँगी, और मैं ऐसे वीडियोज़ वगैरह अपलोड करती रहती हूँ अपने इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे भी, तो उनको यहाँ पे ये लोकेशन मैं मतलब रेगुलरली बता दूँगी। जी, तो एक आखिरी सवाल कि जो लड़कियाँ डरी सहमी रहती है, किसी वजह से कुछ कर नहीं पा रही है, करना चाहती हैं लेकिन उनको वो हिम्मत नहीं मिलती है, या पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो सिर्फ शादी के बारे में सोचते हैं बेटियों की लेकिन आगे का कुछ नहीं सोचते, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? मैम देखिए शादी करना ही कोई बड़ी बात नहीं, शादी करके कोई अवार्ड तो नहीं मिलता है, बस वही घर के ही काम करने होते हैं, चूल्हा चौका करना होता है, क्योंकि बाहर तो इतना मतलब अलाउड नहीं करते लड़कियों को। मैं सबसे पहले माँ बाप को कहूँगी कि आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दें और वो जो करना चाहते हैं उसमें उनका साथ दो, जब आप उनका साथ देंगे वो कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, गलत काम नहीं करेंगे। अगर आप उनको डरा के रखोगे, उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करोगे तो वो कहीं ना कहीं गलत काम की तरफ जाएंगी, और जो मतलब जो लड़कियाँ डर रही हैं काम करने से, वो बाहर नहीं निकल पा रही हैं, तो उनको मैं यही कहूँगी आप अच्छा काम करो, बाहर निकलो, बुरे काम से अच्छा है। मैं अगर यहाँ पे रेडी लगा रही हूँ मुझे ज़रा से भी शर्म नहीं आ रही है, ज़रा सा भी मतलब रिग्रेट नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ पे रेडी लगा रही हूँ, क्योंकि मैं अपना काम कर रही हूँ यार, ये मेरी मेहनत है, मैं इसमें ज़रा भी नहीं, अगर मैं यहाँ पर मेहनत नहीं करूँगी, गंदा काम करूँगी तो मुझे एक लोग भी ताना मारेगा और हज़ार भी मारेगा। इस टाइम में यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ, मैं 1 करोड़ बंदे में से निकल जाऊँगी, लेकिन मुझे कोई ये हिम्मत नहीं करेगा बोलने का कि ये यार वहाँ पे गंदा काम करके आई या कुछ, सभी कहेंगे नहीं ये मेहनती लड़की मेहनत करके आई है, तो वो हमें अप्रिशिएट लेना है, ना कि हमें अपने आप को गंदा कहलवाना है, गंदी बात सुननी है, किसी का ताना सुनना है। मैं सभी लड़कियों से रिक्वेस्ट करती हूँ आप अच्छा काम करो, ज़रूरी नहीं आप रेडी लगाओ, कुछ भी करो लेकिन अच्छा करो, मेहनत करो, इंडिपेंडेंट रहो, किसी पे डिपेंड मत रहो। और ये शर्म आती है, हम शाय हैं, हम कर नहीं सकते, आप कर सकते हो, लड़की में बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है अगर लड़की करना चाहे, अगर वो करना ही नहीं चाहे तो फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर लड़की हिम्मत करे तो वो बहुत कुछ कर सकती है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, आपने हमारे साथ जो है बातें साझा की। ये हमारे साथ शहनाज दी थी जिन्होंने अपनी मेहनत से अपना काम खोला है, और क्योंकि वो किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहती हैं, वो फाइनेंशियली जो है इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, इसीलिए उन्होंने अपना काम शुरू किया है। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा और प्यारा मैसेज दिया है लड़कियों को कि शादी करना इतना ज़रूरी नहीं है जितना इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। तो आप सभी दर्शकों से मैं एक बार फिर से ये गुजारिश करूंगी कि जितना हो सके जो भी लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं वो यहाँ पर ज़रूर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करें। और इसी तरीके की तमाम खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें फेयर वॉइस न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।